दीक्षा क्लिनिक में स्वागत है आपका। है मैं डॉक्टर अमरपाल राठौर। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन घंटी अवश्य बजाएं। आपको नमन, आप सदैव निरोग रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीक्षा क्लिनिक डॉक्टर अमरपाल राठौर आज आपको मीडियर्स कैप्सूल के फायदे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, क्योंकि जो हमारा नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मीडियर्स कैप्सूल बवासीर के लिए बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है। यह एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है। इसे घर बाहर फोमा कंपनी ने तैयार किया है। मीडियर्स कैप्सूल में आंवला, सोनामुखी, नीम बीज, हरड़, बेलफल, रसवंती, नागकेसर, स्वर्ण पाउडर, अर्श, कुठार रस, कुटकी आदि जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया गया है। इसका रेट 425 रुपए है। यह 60 कैप्सूल की पैकिंग के डिब्बे में आता है। यह कैप्सूल खूनी और बादी बवासीर और भगंदर में बहुत ही लाभकारी है। पाइल्स के कारण, कब्ज के कारण पेट साफ नहीं होता है और मल त्याग में जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से पाइल्स की समस्या हो जाती है। जो लोग ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं उन्हें भी बवासीर की समस्या हो जाती है। पाइल्स का एक कारण मोटापा भी है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कई महिलाओं को पाइल्स की समस्या हो जाती है। दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति एंस के अंदर और बाहरी हिस्से में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से एंस अंदरूनी हिस्से या बाहर के हिस्से में स्किन जमाकर होकर मस्से जैसी बन जाती है और इसमें से कई बार खून निकलने के साथ ही दर्द भी होता है। मल त्याग के दौरान जोर लगाने पर ये मस्से बाहर आ जाते हैं। इस समस्या के कारण व्यक्ति को बैठने में भी दिक्कत होती है। चिकित्सकों के अनुसार कई बार शर्मिंदगी के कारण लोग शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं देते, जिससे बाद में समस्या बढ़ जाती है। मल त्याग के समय दर्द होना और रक्त या म्यूकस आना, एंस के आसपास सूजन या गांठ जैसे होना, एंस के आसपास खुजली होना, मल त्याग के बाद भी ऐसा लगना कि पेट साफ नहीं हुआ है, पाइल्स के मस्सों से सिर्फ खून आना। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप यह मीडियर्स कैप्सूल अवश्य खाएं और अपनी बीमारी को जड़ से समाप्त करें। बवासीर या पाइल्स या हेमरॉइड पाइल्स या मूल व्याधि एक भयानक रोग है। बवासीर दो प्रकार की होती है। आम भाषा में इसको खूनी और बादी बवासीर के नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे महेशी के नाम से जाना जाता है। एक खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, केवल खून आता है। पहले पखाने में लग के, फिर टपक के, फिर पिचकारी की तरह से सिर्फ खून आने लगता है। इसके अंदर मस्सा होता है जो कि अंदर की तरफ होता है, फिर बाद में बाहर आने लगता है। टट्टी के बाद अपने से अंदर चला जाता है। पुराना होने पर, बाहर आने पर, हाथ से दबाने पर ही अंदर जाता है। आखिरी स्टेज में हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाता है। दो, बादी बवासीर। बादी बवासीर रहने पर पेट खराब रहता है, कब्ज बना रहता है, गैस बनती है। बवासीर की वजह से पेट बराबर खराब रहता है, न कि पेट गड़बड़ की वजह से बवासीर होती है। इसमें जलन, दर्द, खुजली, शरीर में बेचैनी, काम में मन न लगना इत्यादि। टट्टी कड़ी होने पर इसमें खून भी आ सकता है। इसमें मस्सा अंदर होता है। मस्सा अंदर होने की वजह से पखाने का रास्ता छोटा पड़ता है और चुनन फट जाती है और वहां घाव हो जाता है। उसे डॉक्टर अपनी भाषा में फिशर भी कहते हैं, जिससे असहाय जलन और पीड़ा होती है। बवासीर बहुत पुराना होने पर भगंदर हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला प्रकार का होता है। भगंदर में पखाने के रास्ते के बगल से एक छेद हो जाता है जो पखाने की नली में चला जाता है और फोड़े की शक्ल में फटता, बहता और सूखता रहता है। कुछ दिन बाद इसी रास्ते से पखाना भी आने लगता है। बवासीर भगंदर की आखिरी स्टेज होने पर यह कैंसर का रूप ले लेता है, जिसको रिक्टम कैंसर कहते हैं, जो कि जानलेवा साबित होता है। दोस्तों, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक आयुर्वेदिक मीडियर्स कैप्सूल तैयार किया है। मीडियर्स कैप्सूल खाने से खूनी बादी बवासीर बिल्कुल जड़ से समाप्त होती है। मीडियर्स कैप्सूल खाने से आपके गुदाद्वार से खून आना बिल्कुल बंद हो जाएगा और अंदर के मस्से, बाहर के मस्से बिल्कुल जड़ से सूख जाएंगे, जिन डॉक्टरों ने बवासीर के लिए आपको ऑपरेशन बताया है। मीडियर्स कैप्सूल खाने से बिल्कुल आप ऑपरेशन से बच जाएंगे और आपका पेट साफ करके आंतों में चिकनाहट लाएगा, जिससे आपका पेट साफ रहने से पेट में गैस, जलन, एसिडिटी, अफारा, पेट में बराबर दर्द, उल्टी सा महसूस होना और कब्ज को समाप्त कर देगा। यह लगातार 2-3 महीने खाने से आपकी बवासीर की समस्या हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर देगी। मीडियर्स कैप्सूल खाने के साथ आपको परहेज भी करना होगा,
जिसमें आपको तला भुना खाना, समोसा, चटपटी चीजें और ज्यादा घनिष्ठ भोजन नहीं खाना है। आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और हरी हरी सब्जियां खाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ और जूस पीना चाहिए और अधिक से अधिक दही मट्ठा का भी सेवन करें। इससे बवासीर की बीमारी आप जड़ से गांठी से समाप्त हो जाएगी। मीडियश कैप्सूल 1 या 2 कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ताजे पानी से खाना चाहिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, यह पूर्णतया आयुर्वेदिक है। इसका कोर्स करने से आपके बीमारी हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। मीडियश कैप्सूल मंगाने के लिए संपर्क करें दीक्षा क्लिनिक, डॉक्टर अमरपाल राठौर, मोबाइल नंबर 9005059104, व्हाट्सएप नंबर 9956202058।